गन्ना इसका बिल्कुल ठोस होता है, इसमें किसी तरह का कोई पिथ या कोई छिद्र नहीं है, बिल्कुल ठोस गन्ना है। और ये अगेती किस्म है। अगर क्रॉप खड़ी हुई है, अगोला आपको मिल रहा है, अगोले में देखेंगे ये आपको रेड कलर के ये पैच दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा ये यहाँ पे आर्किल होता है, जिसको हिंदी में आप आलिंद कर्ण कह सकते हैं। तो ये एक तरफ बहुत हल्का सा डेल्टा टाइप का या दांत के आकार का ये हल्का सा, और एक तरफ बिल्कुल ये एनसीपीएन टाइप का है। यहाँ एक तरफ है नहीं, यानी कि जो हमारी पोजीशन है आउटर साइड का जो आर्किल है वो एनसीपीएन टाइप का है, और इनर साइड का जो आर्किल है इसमें हल्का सा ये दांत के प्रकार का है। इसके बाद अगोले में देखेंगे इसके स्पाइन जो होते हैं, यहाँ इसमें स्पाइन बिल्कुल नहीं है, कांटे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो इसको किसान भाई ऐसे करके पकड़ के यहाँ छू के देख सकते हैं। इंटरनोड इसकी बिल्कुल सिलेंड्रिकल है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक समान सिलेंड्रिकल टाइप की है। आँख इसकी गोलाकार, बिल्कुल स्पष्ट गोलाकार है, और इसमें थोड़े से ये हल्के से विंग पाए जा रहे हैं ये, और आप देख सकते हैं इसको, और आँख बिल्कुल ऐसा लग रहा है कछुआ के पीठ जैसी हो। किसान भाई इसमें एक चीज और देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी इंटरनोड है, ठीक है, इंटरनोड पे आँख के सामने एक नाली सी होती है, किसी वैरायटी में होती है, किसी में नहीं होती है, इस वैरायटी में बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसको गन्ने को हम काट के देखेंगे तो ये बिल्कुल ठोस मिलेगा, किसी भी तरह का कोई छिद्र नहीं है, पिथ नहीं है।